नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा 498A के केस की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को इसमें डिस्कस करेंगे और इस फैसले को डिस्कस करते हुए हम इसके सामाजिक पहलू भी देखेंगे और इसके लीगल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, जब हस्बैंड वाइफ को साथ नहीं रहना, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई वो जब एक ऐसी स्टेज पे होते हैं जहाँ पे झगड़ा शुरू होता है, तो आजकल जो रिश्तेदारियाँ हैं वो झगड़े को सुलझाने के बजाय उसको हवा देने के लगे रहते हैं कि भाई कैसे करके ये डिस्प्यूट बढ़ जाए, क्योंकि आजकल एक दूसरे के घर में खुशी देख के कोई राजी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो उस झगड़े को कोर्ट तक ले जाने के लिए जो रिश्तेदार हैं वो भरसक प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में अब खुद को जो है वो विक्टिम दिखाने का जो गेम है, ऐसे में क्या है, पत्नी एक झूठी कहानी बना लेती है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी गई, मेरे दहेज की डिमांड करी गई। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार जब एलिगेशन हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि भाई इसमें छेड़खानी का भी एक वो लगाया जाता है एलिगेशन, कई बार रेप का एलिगेशन भी लगा देते हैं, 377 का एलिगेशन भी लगा देते हैं। लेकिन जितने भी आप संगीन एलिगेशन लगाते जाते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ के चांस घटने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जब आप एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को इनिशिएट कर रहे होते हो तो फाल्स एलिगेशन जब आप कोई लगाते हो तो वहाँ पे आप, अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है या फिर वो रियल स्टोरी नहीं है, तो वो आपके केस को कैसे नुकसान करते हैं। दोस्तों, हम मौजूदा जो केस डिस्कस करेंगे उसमें भी ऐसा ही था, उसमें धारा 307 लगा दी गई 498A के साथ, और उसमें जो हस्बैंड है उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। तो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में जो हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ी और जो हस्बैंड है उसको 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा। तो दोस्तों, बाद में जाँच में पाया गया कि भाई जो धारा 307 है वो झूठी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको धाराओं के बारे में बता देता हूँ जो धारा इस केस में लगी थी। इस केस में 498A लगी थी कि दहेज के लिए क्रुएलिटी, 307 लगी थी कि जान से मारने की कोशिश करी गई, और 406 कि भाई जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब दहेज के सामान को कैप्चर कर लेना। तो इस प्रकार जो हस्बैंड और उसकी फैमिली है उन सब के ऊपर इन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। 307 जो है वो पुलिस ने हटा दी। अब ऐसे में हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जो 498A के एलिगेशन है वो गवाही में साबित नहीं हुई। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई हस्बैंड और उसकी फैमिली जो है वो बरी हो गए। बरी होने के बाद वाइफ ने फिर से उनकी अपील करी जजमेंट के खिलाफ, वो अपील में भी बरी हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक झूठी FIR के कारण एक हस्बैंड और उसकी फैमिली को ट्रायल कोर्ट में 3-4 साल तक मुकदमा भुगतना पड़ा। उसके बाद फिर अपील का टाइम भी जो है उनको एक मेंटल प्रेशर में गुजारना पड़ा। तो ऐसे में जहां पत्नी सिर्फ 20 दिन अपने ससुराल में रह के और सालों तक कोर्ट में धक्के खिलाती है अपने हस्बैंड उसके फैमिली को, तो कोर्ट ने इसको मेंटल क्रुएलिटी माना और जो फैमिली कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट थी, उसने हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ये डबल बेंच के सामने उस डाइवोर्स पिटीशन की अपील आई थी। इस अपील का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इस अपील का नंबर था FAO नंबर 2328 साल 2013, तारीख फैसला 16/5/2022, मामला 2008-09 से शुरू होने के बाद अब 2022 में निपटा है। तो इस सब लिटिगेशन में जो एक हस्बैंड को जो मेंटल क्रुएलिटी हुई उसको अपहेल्ड करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी डिस्कस किया है, जो टाइटल मैं आपको देता हूँ कौन सा केस उन्होंने डिस्कस किया है। इस केस का टाइटल था के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा, और ये साइटेशन 2013 की थी। और इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ फाल्स FIR या कंप्लेंट करना भी अपने आप में एक मेंटल क्रुएलिटी है। तो ऐसे में इस मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पे जो डबल बेंच है माननीय हाईकोर्ट के, उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन में जो हुए फैसले में जो डाइवोर्स पत्नी के फेवर में किया ऑनरेबल कोर्ट ने, उसको अपहेल्ड कर दिया। और अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला है जिसमें पत्नी ने झूठी दरखास्त हस्बैंड के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ दी है, कोई फाल्स FIR ऐसा कोई मामला है और उसमें वो बरी हो जाते हैं, तो आप इस केस का प्रिंट साइट से निकाल के
उसको अपने केस में दे सकते हैं, उस केस में दे सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट की डबल बेंच प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन है वो तक डिस्कस है, और निश्चय ही जो केस का फैसला होगा वो आपके हक में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।